नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व नेता कृपाशंकर सिंह ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए एक गिलहरी नाम का ईंट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। साथ में ही एक उन्होंने लेटर भी लिखा है जिसमें इस ईंट को भगवान राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल करने की बात कही है। कृपाशंकर सिंह ने इस गिलहरी नाम की ईंट का क्या महत्व है इस चीज को अपने बयानों से बताया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट को। क्या है कि राष्ट्र कार्य में और जब अधर्म पर धर्म की लड़ाई हो तो राष्ट्र पूरा उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। जैसे मैंने आर्टिकल 370 पे जब भारत सरकार द्वारा गृह मंत्री ने संसद भवन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया और धारा 370 और 35 अनुच्छेद को हटाया गया तो राष्ट्र का कार्य था। कांग्रेस पार्टी के लोगों का विरोध था, मैं उसी कांग्रेस पार्टी का सदस्य हुआ करता था। मैंने राष्ट्रहित में कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। उसी ढंग से प्रभु रामचंद्र के मंदिर निर्माण को लेकर कई सालों से कानूनी दांव पेंच में मंदिर निर्माण रुका हुआ था। दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी सुनवाई खत्म हो जा चुकी है। अब इंतजार है माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला देने का। मुझे मेरी अंतरात्मा और सभी राम भक्तों की अंतरात्मा, चाहे वो भारत देश में हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई में हो या विश्व में हो, राम भक्तों को एक आस्था बनी हुई है। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय का वो निर्णय जल्दी सावे। और गिलहरी का, मैंने गिलहरी के नाम से ईंट का नाम क्यों रखा, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, लंका पर विजय जाने की बात थी और वो लंका जो राक्षसी प्रवृत्ति का लंका बना हुआ था, वो रावण, बड़ा विद्वान रावण था लेकिन उसके अंदर एक राक्षस प्रवृत्ति बैठी हुई थी, उसका अंत करने के लिए जब प्रभु रामचंद्र जा रहे थे तो राम सेतु का निर्माण का कार्य चल रहा था, उसी समय ये गिलहरी जो बार बार समुद्र के किनारे जाती और रेत अपने शरीर पर लोटपोट हो जाती, जब रेत उसके शरीर पर चिपक जाता था तो जो पुल का निर्माण हो रहा था, राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस पर जाती थी और पूरी रेत झाड़ के चली आती थी। ये रामायण में प्रसंग है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामायण में प्रसंग है। प्रभु रामचंद्र जी पूछा कि गिलहरी, तुम्हारे इतने रेत से क्या कार्य संभव होगा? गिलहरी ने कहा कि कार्य तो संभव होगा ही प्रभु, लेकिन जब राष्ट्रहित में कोई काम हो, जब अधर्म पर धर्म की लड़ाई हो तो धर्म के साथ पूरे राष्ट्र को खड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं उस निर्माण में, राम सेतु के निर्माण में अधर्म पे धर्म विजय पाने के लिए अपना योगदान देती हूँ। और गिलहरी इतना कहने के बाद अपने कार्य में लग गई। आज जब सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह से सुनवाई हो गई है, एक उम्मीद, एक आस्था सभी राम भक्तों में बनी हुई है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से एक पत्र लिख करके और एक ईंट पूरे मुंबई में बसा राम भक्त उत्तर भारतीय समाज उनको प्रस्तुत करेगा। आज मुंबई आए थे लेकिन उनको देर से आने से और 5 बजे उनको जाना था, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं इसको स्वीकार करता हूँ और मैं ईंट और पत्र जो है 2 या 3 दिन में
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ लखनऊ पहुँचा देंगे और पूरे मुंबई में बसा या महाराष्ट्र में बसा जो उत्तर भारतीय समाज है उनकी तरफ से पावन गिलहरी ईंट जो है उस राम मंदिर के निर्माण में जिसकी परिकल्पना जिसकी आस्था लोगों में आंखें टकटका कर देख रही हैं उस निर्माण कार्य में ये हमारा ईंट जो है उस निर्माण कार्य में लगे। यही प्रार्थना के लिए मैंने आज ये